नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। 100 दिनों का एजेंडा लिए सीएम योगी के मंत्री जमीनी स्तर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही नजारा रायबरेली से सामने आया है, जहां योगी के 3 मंत्री जनपद का जायजा लेने पहुंचे और उनके सामने खस्ता हाल सड़कों और लचर व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सड़कों पर पानी, मामूली सी बारिश, जलभराव की समस्या और लबालब पानी के बीच फंसे मंत्री सुरेश खन्ना, जो सड़कों के किनारे से खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं और खस्ता हाल सड़कों पर चलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खट्टिक और अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद भी मौजूद रहे। प्रशासन की पोल खुलने के बाद मंत्री सुरेश खन्ना ने अफसरों की जमकर क्लास ली और उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। आप तो करते क्या, मतलब ये मेन रोड के ऊपर इतना ज्यादा आपको दिखाई पड़ रहा है, आप दिखाई पड़ रही है, ये चौड़ा करेंगे किसको फायदा होगा। पहले निरीक्षण के दौरान मंत्री सुरेश खन्ना से स्थानीय लोगों ने नगर पालिका के दूसरे क्षेत्र में सफाई नहीं होने की शिकायत की, जिसके बाद मंत्री अपने सहयोगियों के साथ शहर के प्रभु टाउन की साफ सफाई देखने पहुंचे। इसके बाद मंत्री बस स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। बस स्टेशन के पास गंदगी का अंबार देखकर मंत्री का पारा चढ़ गया। और उस गंदगी को कुछ घंटे में हटाने का अल्टीमेटम दिया। इसके बाद मंत्री सुरेश खन्ना जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर भी बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था से मंत्री सुरेश खन्ना का सामना हुआ। वहीं मरीजों को पूछताछ करने के बाद मरीजों ने बताया कि सुई तो लग जाती है मगर दवा नहीं मिलती। उसको लेकर मंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए नीता साहू को निर्देश दिया, ये जो भी मरीज है इनको दवाएं यहीं से मिले। प्रदेश के जनपदों की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए योगी सरकार के मंत्री लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जो जनता के लिए परेशानी का सबब बनी है। अब देखना ये है कि लगातार नेताओं के दौरे से शहर के विकास की प्रगति पर कितना प्रभाव पड़ता है। मंडली और निरीक्षण कार्यक्रम के तहत वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना 2 मंत्रियों के साथ 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अपने जन जो प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात की और जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुलाकात की है। और आपको बता दें कि प्रचंड गर्मी के बाद रात में हुई बरसात को देखा जाए तो उसके बाद आज सुबह जब शहर भ्रमण पर जिला प्रशासन के साथ 3 मंत्री निकले हैं, उसके बाद जो है जल भराव देखा गया। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको बता दें कि बस स्टॉप पर देखा गया जर्जर हालत थी बस स्टॉप की, और वहाँ पर देखकर अधिकारी को फटकार भी लगाई है। और बात की जाए नगर पंचायत की तो उन्होंने जो इस तरीके से बदहाल देखे, पानी भरे थे, जिसमें से खुद देखा गया है कि निकले हैं जल के निकले हैं उस बरसात भरी बरसात में जो जल भराव है उससे निकले हैं। और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए उन्होंने नगर पंचायत के जो अधिकारी हैं उनको फटकार भी लगाई है। उसके बाद जिला अस्पताल पहुंचे हैं, वहां पर निरीक्षण किया गया है, वहां पर जो खामियां मिली हैं उसके लेकर अधिकारियों की जो फटकार लगाया है और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो उन्होंने जो खामियां मिली उसको निर्देश भी किया है कि अपन जो है अपना चल के सही करते रहें। उसके बाद जो है अभी भी 11:30 बजे से उनकी प्रशासन जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक चल रही है, जो कि 2 बजे तक चलेगी। उसके बाद मीडिया से रूबरू होंगे और क्या कहेंगे वो आपको हम लगातार बताते रहेंगे। अजय प्रताप सिंह, प्राइम टीवी रायबरेली। रोड अस्पताल का खस्ता हाल देखकर फिलहाल मंत्री जी ने अफसरों को फटकार तो लगा दिया, लेकिन अब देखना यह होगा कि अफसर इस पर कितना अमल करते हैं। फिलहाल हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।